और लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट शो मेहमान नवाजी। तो इस एपिसोड में हम किसे फीचर कर रहे हैं, मिलते हैं उनसे। दरवाजा खुला है, लेट्स गेट इट। हेलो, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, सो इट इज आपकी स्वरा यानी हेलीशा। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो क्या चल रहा है आज? हमने सोचा कि ना आपके महेश्वरी हाउस तो सभी ने देखा है, ना हेली का घर दिखाया जाए आपके फैंस को। वेल, दिवाली है तो दिवाली की तैयारियां चल रही है। क्या चल रहा है अभी, क्या रंगोली बना रहे हो? दिस इज सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रंगोली दैट आई हैव गॉट, मतलब ये चिपकाने वाली है। सो जैसे आप देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे स्टोन्स और पता नहीं क्या क्या सब लगाया हुआ है। सो आपको सिर्फ इसे लगाना होता है। सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी लगेगा, जैसे हम कलर्स तो हर टाइम करते ही है। सो दिस टाइम इट्स समथिंग डिफरेंट, क्विक एंड या। वैसे हेली ये तो हो गई दिवाली इन मुंबई, अपने घर किस तरह से परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट की है? कोई कोई मेमोरीज? डोंट आस्क मी हाउ मच आई मिस दैट। आई मीन दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, स्पेशली वेन आई एम विथ माई फैमिली, लाइक वी ऑल कजिन्स, एवरीबडी टुगेदर, एंड इट्स सो मच फन। पूरा बड़ा सा थाल हम लेते हैं, उसमें मिट्टी के जो दिए होते हैं ना, उसमें 20-25 दिए, एवरी शाम को, मतलब 6 बजते हैं तो चाची मम्मी मतलब वो लोग हो जाते, सो हम भी हेल्प करने चले जाते, मतलब किसी ने तेल डाला ये वो, और फिर हम लोग हर जगह, लाइक वी हैव अ बिग कंपाउंड, पूरा बाहर गार्डन टाइप है, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं, एंड तो वो बहुत मज़ा आता है ना। हाउ मच आई मिस दोस डेज। तो रंगोली तैयार है? या, नाइस, क्विक, और इट्स समथिंग डिफरेंट, मतलब अच्छा लग रहा है। आई हैव लाइट्स जो मैं यहाँ पर बालकनी में तो नहीं, बट यहाँ पर हॉल में कहीं लगाने का सोच रही हूँ। बहुत ज़्यादा कलरफुल और लाइट्स एकदम जगमगा उठेगा। तो लेट्स डू इट। या, तो ये है लाइट्स मेरे पास जिसे मैं यहाँ पर लगाने का सोच रही हूँ। यस, बिकॉज फ्रेम्स है तो सपोर्ट भी मिल जाएगा इसे लगाने के लिए। ओके, सो दिस इज लुकिंग नाइस, अच्छा लग रहा है ऑन दिस वॉल। सिट सिट सिट। हाँ, तो यू आर सेइंग घर पे क्या करते हो जब छुट्टी होती है? जब छुट्टी होती है तो ज़्यादा सोती हूँ मैं, मेरे पास पढ़ाई होती है करने के लिए। एटलीस्ट आई मेक श्योर कि एक घंटा तो मैं ज़रूर पढ़ूँ शूट पे जाने से पहले, और शूट पे बुक ले लूँ, घर कैरी कर लूँ। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड करके रखी, बिकॉज ताकि मुझे और आप देख सकते हैं मैंने इतनी कमाल की पढ़ाई की है, बिकॉज एक 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 पेज पे आपको सारे मार्किंग्स नजर आएंगे, बिकॉज मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ती हूँ। अच्छा, यानी इतने बड़े बड़े रोने वाले डायलॉग्स के साथ ही बायोलॉजी की पढ़ाई होती है? केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री होता है, इसीलिए बायोलॉजी की भी बुक्स रखी हुई है। एंड आई वांट टू शो यू दिस लैम्प विच माई ब्रदर गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे। सो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। सो इस पे मेरी पिक्चर है हर एक साइड पर, सो इट्स अ क्यूब, और जिसे मैंने यहाँ पर रखा है। सो आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। वही वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है, तो चले वहाँ। हाँ जी, चलिए। ओके, सो दिस इज आर छोटा सा मंदिर एरिया। सो बस यहाँ पर घर से निकलने से पहले या रात को सोने से पहले दर्शन करके जाती हूँ। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो हेली घर से निकलने से पहले करती है, लाइक रूटीन में हो उनके? घर, मतलब ये तो मैं ऑलमोस्ट आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड जब से ये हैबिट यू नो बन गई है, और घर से हमेशा मुझे, मम्मी को, भाई को, एवरीबडी हैज़ दिस,
यहाँ पर एक छोटा सा गुड़ का डब्बा रखा हुआ है, सो घर से निकलने से पहले ये गुड़ खाकर ही निकल। कुछ ऐसे मीठा कहते हैं दिन अच्छा ऐसे। हाँ, सो That's something which I'm really addicted to it. मैं घर पहुँच, मतलब मैं अगर नीचे पहुँच गई और मैं भूल गई, मैं वापस ऊपर आती हूँ, मैं गुड़ खा के निकलती हूँ। अभी घर से निकली नहीं हूँ ना। तो आज ये मेहमान नवाजी की शुरुआत जो हो रही है, so let's have it. करते हैं। ज्यादा था? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। यानी आज का दिन अच्छा जाएगा मेरा। तो चलो, मैंने आपको हॉल दिखा दिया, मैं आपको मेरा जो बेडरूम है वो दिखाती हूँ। चल, और ये है मेरा रूम, मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम। वाओ, वेरी प्रिटी। थैंक यू। सॉफ्ट टॉयज इतने सारे? इतने सारे नहीं है, ये कुछ ऑलमोस्ट 8-9 ही है। अदरवाइज आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ 50-60 सॉफ्ट टॉयज जो मेरे उधर घर पे, वहीं से मैं थोड़े से उठा के लेकर आ गई हूँ। भाई, ये कर्टन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स गोइंग वेरी नाइस विद द, या इवन आई लाइक इट, क्योंकि एंड ये मम्मी ने मतलब ये सब किया हुआ है। ये जो वॉल है वो थोड़ी सी टेक्सचर्ड वॉल है। एंड ये जैसे पता है, ये मेरे पता है सबको। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं हेली के। या दिस इज, जैसे मैंने वो बाहर लैंप का बोला कि दैट इज वन ऑफ द बर्थडे गिफ्ट, तो ये एक और दूसरी बर्थडे गिफ्ट है जो मेरे भाई ने मुझे दी है। अच्छा, इसमें से हेली का फेवरेट पिक्चर पूछूं तो वो कौन सा होगा? ये पहला जब दुर्गा पूजा था शो में तब का है। ये 1, 2, 3 ये सारे हमारे प्रोमो शूट के हैं। बाकी कुछ कुछ रैंडम है। सो वैसे स्टाइल की बात की जाए, हाँ, तो स्वरा और हेली में कितना फर्क है कपड़ों के मामले में? शुरुआत में तो काफ़ी सिमिलर था, बिकॉज मुझे वेस्टर्न आउटफिट दिए जाते थे। तो उसके बाद एक और चेंज आई, साड़ीज आई, विच आई रियली डोंट वेयर, बट शो में पहनने के बाद मुझे अच्छी लगने लगी। क्योंकि हम आपके घर पे हैं, हाँ, तो आपका वार्डरोब भी दिख रहा है, कांट मिस टू सी अंदर किस तरह के कपड़े, क्या कुछ कलेक्शन है हेली का। अच्छा ठीक है, लेट मी शो यू, आ जाइए। तो ये जो मेरा वार्डरोब है उसमें मेरी कुछ बैग्स और मेरे घर के कपड़े हैं, हाँ। तो उसको नहीं खोलती हूँ मैं, ये दिखाती हूँ मैं। सो दिस इज माय स्मॉल वार्डरोब, है नीट टाइडी। तो ये हेली हमेशा ही ऐसा रहता है, इतना नीट एंड क्लीन? हाँ, हमेशा ही ऐसा रहता है, बिकॉज मुझे अपनी सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर हो तो अच्छी लगती है। सो यहाँ पर मेरी सारे टी शर्ट्स, टॉप्स, ड्रेसेस है। सी, दिस इज़ माय डेनिम का पूरा, जहाँ पर मेरे सारे जीन्स है या प्लाजोज है। इसमें मेरी कुछ, मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ मेरे पास हेयर एक्सेसरी ज्यादा है। ओके, तो मैंने आपको अपना वार्डरोब दिखाया, कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी वेरी इंस्पिरेशन है ये मेरे लिए। तो ठीक है, अब हम किचन में चलते हैं और मैं कुछ सोचती हूँ मैं क्या आपको बना के खिला सकती हूँ। ओके, तो ये मेरा किचन एरिया है और क्योंकि आप मेरे घर पे आए हो तो अब आपके लिए मैं कुछ बना के आपकी थोड़ी सी खातिरदारी करती हूँ। हाँ, तो अब मैं आपके लिए सूजी के उत्तपा बनाने वाली हूँ। सूजी के उत्तपा। यूजुअली कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो मेरे ब्रेकफास्ट लिस्ट में हमेशा होती है, जैसे ये है ढोकला जो हम गुजराती खाते हैं। दो आई लाइक कुकिंग, बट मुझे पहले ज़्यादा शौक था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता और मैं बना नहीं पाती हूँ कुछ भी, तो मेरा जो शौक है वो थोड़ा 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 कम हो गया है। सेट पर जब होते हो तब ऑब्वियसली टिफिन होता होगा, लंच? हाँ हाँ हाँ, सब लेकर जाती। क्या क्या चीज़ें होती है लंच? फुल रोटी सब्जी दाल चावल लेकर जाती हूँ, और
मेरा सुबह का नाश्ता ऐसा ही कुछ गरम हैवी सा, बिकॉज ब्रेकफास्ट हैवी थोड़ा सा होना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट ऐसे कुछ अच्छा सा रहता है। सो ये उत्तपा रेडी हो गया है, तो आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। सो दिस इज योर उत्तपा, दिस इज माइन। प्लीज टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। कैसा है? नमक ज्यादा है क्या? वेरी नाइस, प्रॉपर एकदम। अच्छा है? या ओके, सो आई गिव यू 10/10। थैंक यू। सो बहुत मज़ा आया हेली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की आपने हमारी। तभी आपके लिए ये छोटा सा तोहफा, हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू यू टू। दिस इज गिफ्ट XOXO के एक्सपीरियंस वाउचर्स, सो गिव दैट यू कैन एक्सपीरियंस। अच्छा, इस पे लिखा है हैप्पी दिवाली, डोंट जस्ट सेलिब्रेट, एक्सपीरियंस दिस दिवाली। थैंक यू गिफ्ट XOXO, एंड लेट मी जस्ट ओपन इट, क्या है इसमें। Live your moments. Oh, nice. It's a cruise experience at Kolkata, West Bengal. So I'm sure मुझे जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी मैं जाऊँगी इसे लेकर। Thank you. Tennis class vouchers, there's too many vouchers which I have to experience. Thank you Gift XOXO and happy Diwali from my side. So thank you so much Ellie, and you. Happy Diwali to happy you. Diwali to you too. Thank you so much. Well, आपको ये हमारा शो कैसा लगा, हेली के साथ ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। मेहमान नवाजी सीजन 1 का ये खूबसूरत सफर यहीं खत्म होता है। इस सीजन में हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा यम्मी खाना भी खाया और दिवाली का त्योहार भी बहुत खुशियों से मनाया। हम लौटेंगे दोबारा आपके फेवरेट स्टार्स के साथ, उनको मौका देंगे हमारी मेहमान नवाजी करने का और करेंगे खूब सारी मस्ती। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप हमें बताइए किससे आप करवाना चाहते हैं टेली मसाला की मेहमान नवाजी।